हम डर डर कर घुटन महसूस करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। और मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, हमारे बुजुर्गों से बड़े अदब से आपसे अपील कर रहा हूं कि अब तो हमको बदलना पड़ेगा। कब तक आप कांग्रेस के इल्जाम में आते रहेंगे कि ये लोग वोट काटने के लिए आए हैं? मेरे भाई, मैं वोट काटने वाला नहीं हूं, मैं वोट कटवा नहीं हूं। मेरा काम दिलों को जोड़ना है, वो दिलों को जोड़ने का मैं काम कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, ये डर डर के जिंदगी आप नहीं, आप और हम नहीं गुजार सकते। जो लोग ये समझते हैं कि हम मर जाएंगे, अरे याद रखो, दुनिया में जब तुम आए हो तो मरने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर 200 साल जिंदा नहीं रहने वाले। और मुसलमानों का अकीदा ये है कि जब हम इस दुनिया में पैदा होते तो हमारे घर के बड़े आकर हमारे कान में अजा देते। नौजवानों, सुनो उस बात को, कान में अजा क्यों दी जाती है? ताकि तुमको बताया जाए कि अब तुम्हारे कान में अजा दे दी गई, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो दोबारा अजा नहीं दी जाएगी, तुमको सीधा नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान लेकर चला जाएगा। इसीलिए हिम्मत से काम लो, अपने आप पर भरोसा रखो, ख्वाब देखना शुरू करो। तुम्हारा ख्वाब सिर्फ ये नहीं होना कि हमें कारपोरेटर की सीट जीत जाएंगे और खुश हो जाएंगे, नहीं, तुम्हारा ख्वाब ये होना चाहिए कि जो आसमानों पर सितारे हैं, मैं उस आसमानों के सितारों की बुलंदियों तक पहुंचूंगा इंशाल्लाह। तुम्हारा ख्वाब यह होना चाहिए कि अगर चांद पर मुझे आशियाना बनाना पड़े तो मैं चांद पर अपना आशियाना बनाऊंगा। अगर तुम्हारा ख्वाब तुमसे कहता है कि समंदर की तह में जाकर मैं उसमें छुपे हुए मोतियों को निकाल कर लाऊंगा तो तुम हासिल करो। वो कब होगा? जब तुम एक पॉलिटिकल पावर बनोगे। आप बताइए हमारी पॉलिटिक्स क्या हो चुकी है कि अगर हम इलेक्शन लड़ते तो कांग्रेस बोलती वोट काट रहे।